please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. स्वागत है बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ेंगे। तमाम सारे लोग अपनी तमाम सारी व्यक्तिगत समस्याएं लेकर भी आते हैं, बातचीत के सिलसिले को भी जोड़ता हूं। मुद्दा हाथ में भी होता है, एक मुद्दा वो होता है जो जनता के पास, जनता के दिलो दिमाग में बसा होता है, एक मुद्दा वो होता है जो यहाँ पे घर बिक जाएगा, बच्चे लाचार हैं, तमाम वो सारे मुद्दों को लेकर आते हैं। ब्याज लिया हुआ है, ब्याज की दरें इतनी ज्यादा हैं प्राइवेट में कि जो मामूली सी नौकरी करते हैं 10-12-15 हजार की, वो कैसे चलेंगे। तमाम आशाओं के साथ जुड़ते हैं भैया जी कहीं में कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोशनी जरूर दिखेगी। लेकिन आज का मुद्दा जो है प्रणब मुखर्जी के संघ कार्यालय, मुख्यालय कहना चाहिए, नागपुर में जाने को लेकर, और उसी से तमाम सवाल। लोगों ने किसी कहा कि नहीं जाना चाहिए, किसी ने कहा कि क्या कोई आतंकी संगठन है जो नहीं जाना चाहिए, आना जाना मिलना जुलना भेदों को कम करते हैं। लेकिन इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। एआई साहब के प्रवक्ता बोल लेते हैं आखिर में, जी ऐतराज क्यों है? देखिए, किसी व्यक्ति का किसी कहीं जाने से ऐतराज नहीं है, लेकिन प्रणब मुखर्जी की जब बात आती है तो हम ऐतराज बराबर जताएंगे, क्योंकि आरएसएस जो इस देश के अंदर एक जो संगठन है, जो फैसिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी आइडियोलॉजी कम्युनल और एंटी दलित और एंटी वुमेन, एंटी माइनॉरिटी और एंटी दस्तूर है, जो इस देश को हमेशा नफरत फैलाने का काम किया है, ऐसी जगह जाकर प्रणब मुखर्जी अपनी आइडियोलॉजी को छोड़ कर गए क्या? अपनी आइडियोलॉजी को बदल कर गए या कुछ और करने गए? तो ये जिस तरह से हम हमारा विरोध है, हमारा विरोध इसके लिए कि क्यों जो एंटी दलित है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन भी, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है और कम्युनल, इनको कम्युनल है, इनको दलितों की चिंता कब से हो गई? पहली बात तो ये कि दलित दलित चिल्ला रहे हैं। कोई दलित, कोई महिला, कोई अपना आरएसएस का अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया? बनेगा, निश्चित बनेगा। मोहन भागवत ने रिजर्वेशन खत्म करने की, पहली बात मोहन भागवत ने रिजर्वेशन खत्म करने की बात की। आरएसएस एक ऐसा संगठन है रुदी भाई, वो गोल करने पंचायत नहीं होता, वहाँ किसी को पता ही नहीं है कौन दलित है कौन ब्राह्मण है, किसी को पता ही नहीं वो कौन दलित है। गांधी जी ने, गांधी मैं बताऊँ, गांधी जी को तो हमारे राष्ट्रपिता है ना, वहां तो कोई भेद नहीं है। गांधी जी ने लिखा कि वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे, उन्होंने लिखा बाकायदा किताब कि जहां पर छुआछूत को लेकर कम से कम कोई बात नहीं है, छुआछूत को लेकर तो बात नहीं है। रिजर्वेशन खत्म करने की बात मोहन भागवत ने रिसेंट लिखी, कुछ नहीं, महिलाओं को झट के निकलना बोला। आप महिलाओं को, आप झूठ बोल रहे हैं साहब, आपका काम एकमात्र काम झूठ बोलना है। आप ये देखिए ग्लू गावस्कर ने कि उसके अंदर पूरी एंटी मुस्लिम, दोनों एक ब्रिटिश के सपोर्टर है, एक चाइना के सपोर्टर है। जब जब देश को जरूरत पड़ी, आरएसएस ने भी ब्रिटेन को सपोर्ट किया और इन्होंने, अरे भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में दोनों, आप सुन लीजिए, आप बोलते हैं तो नहीं बोलता, किसने समर्थन दिया आपको पता ही कुछ नहीं है, आप सुन लीजिए ना, आप पहले जानकारी 1942 भारत छोड़ो आंदोलन दोनों ने विरोध किया था और 77 में दोनों साथ हो गए। 89 में जब रामो बामो की सरकार बनी तो ये कम्युनिस्ट में साथ थे और आरएसएस के लोग भी साथ थे। ये सत्ता की प्रॉब्लम यही है। देखिए, असल जो प्रॉब्लम है आरएसएस से या इनके विचारधारा से वो ये है कि ये हमेशा से अंग्रेजों का साथ दिया, क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ नहीं थे, नहीं तो 1947 की जगह 1942 में हिंदुस्तान आजाद जी, मैं ये बोला हूँ कि प्रणव दा की, एक मिनट अजय जी प्रतीक जी, मैं ये बोला हूँ कि प्रणव दा की स्थिति ये है कि जिस तरह से जिंदगी भर साइंस का प्रोफेसर, साइंस पढ़ाने वाला प्रोफेसर, वहाँ पे मेरी रिटायरमेंट के बाद में सत्संग मंडली ज्वाइन कर लेता है, उसी तरह से प्रणव दा जाकर वहाँ पे कुछ कर रहे हैं। अभी स्थिति यह है कि जिस प्रणव दा को देश का गृह मंत्री का पद दिया गया, वित्त मंत्री का पद दिया गया, देश के सर्वोच्च शिखर पर बैठाया गया, उनको कम से कम अपने विचारधारा का ख्याल रखना चाहिए। विचारधारा का ख्याल रखना चाहिए। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, सर यहाँ पे जो भी विचारक बैठे हैं, इन्हें नहीं पता, हम सुबह शाखा में जाके हम पूरे विश्व के लिए, हम पूरी जनता के लिए कहते हैं, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंदू भूमि सुखम वर्धितो हम महामंगले पुण्य भूमि तो धरते पतत्वेश कायो नमस्ते नमस्ते। हम सबका भला, सबका सुखी रहना ये चाहते हैं, मगर आप आज आप क्यों दुखी है? आगा, 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 नहीं है इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कीजिए, जो गांधी को मारने वाले, हे राम को, हे राम का विरोध करने वाले, जय श्री राम करेंगे, उसको देश नहीं मानेगा। इनको इनको कुछ पता नहीं है, पूरी मातृभूमि, पूरा हिंदुस्तान की पूजा करते हैं हम, पूरे हिंदुस्तान को मानते हैं, हमारे लिए
बात सुन लो, आरएसएस क्यों बनी? पहली बात ये मैं आपको बताता हूँ, आरएसएस 1857 की गदर के बाद 1897 में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा बना करके सारे राजाओं ने में महात्मा गांधी वर्धा के समारोह में जाते हैं और वहाँ वो कहते हैं कि जितना अनुशासन और जितनी सामाजिक समरसता मैंने आरएसएस में देखी है वहाँ कहीं नहीं देखी। जयप्रकाश नारायण, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, राजेंद्र प्रसाद, एपीजे अब्दुल कलाम, नीलम संजीवन रेड्डी, मैं कहना चाहती हूँ जनरल करियप्पा, जस्टिस केजे थॉमस, इस देश के जितने भी बुद्धिजीवी रहे हैं, चाहे किसी भी धर्म से हो, किसी भी समाज से हो, उन्होंने संघ को अनटचेबल नहीं समझा। ठीक, डन 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 नो दीपिका दीपिका डन। सर प्रतीक जी, मुद्दा ये है कि देश के पूर्व राष्ट्रपति और कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रणब मुखर्जी साहब आज संघ के कार्यक्रम में जाकर बोलने वाले हैं। यहाँ एक प्रश्न पैदा होता है, क्या सोच थी कि आरएसएस के मुख्यालय में उनको बुलाया गया, और क्या सोच है जिसके तहत प्रणब मुखर्जी जैसे आदमी, जो एक व्यक्तित्व, जो कांग्रेस का एक बहुत बड़ा मुख्य चेहरा है, जो वर्षों कांग्रेस के फंड पर रहकर आरएसएस को हमेशा कोसते रहे, आरएसएस के बारे में दूसरी राय रखते रहे, आज वो वहाँ जाकर क्या बोलने वाले हैं, आज वो क्या बोलने वाले हैं? तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि सोच क्या है इसके पीछे, नियत बुलाने वालों की क्या है और नियत जाने वाले की क्या है? तो शायद शांति से बात होता, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस अगर आरएसएस के उसमें जाती है तो एक बहुत बड़ा प्रश्न छोड़कर जाती है। मैं बताता हूँ अभिषेक मनु सिंघवी साहब कहते हैं राष्ट्रपति बनने के बाद ही मुखर्जी ने राजनीति छोड़ दी थी, किसी कार्यक्रम में उनके बोलने से उनकी सोच का संकेत नहीं मिलता। सुशील कुमार शिंदे साहब कहते हैं प्रणव का आरएसएस के कार्यक्रम में जाना गलत नहीं है, वो धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति होने के साथ साथ अच्छे विचारक हैं। ठीक है, वीरप्पा मोइली साहब कहते हैं निमंत्रण स्वीकार किए जाने को लेकर बातें बनाने की जरूरत नहीं है। नाउ योर चांस। सबसे बड़ी ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी है कि डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होते हैं, एक ही एक पार्टी है तो सभी को उसी पार्टी लाइन पे थोड़ी चलना है कि जो बड़े नेता ने बोल दिया वही उसके सारे नेता चलेंगे। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन को रिस्पेक्टफुली हमें एक्सेप्ट करना आना चाहिए। मैं एक मिसाल देता हूँ, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लाया गया तो कांग्रेस के ही आधे नेता उसके सपोर्ट में थे और उसके आधे नेता उसके खिलाफ थे। तो ठीक इसी तरीके से इस पर बवाल नहीं मचना चाहिए जब मचाया जा रहा है कि कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द हो रहा है। अगर पढ़ना जा नागपुर जा रहे हैं और आरएसएस के नियोता को कबूल कर रहे हैं तो आरएसएस के नियोता कबूल करना कोई गुनाह नहीं है, आरएसएस अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है, आरएसएस की कुछ विचारधारा है, कुछ चीजें हैं जो वाकई जिसके ऊपर सोचकर विचार कर। मैं बताता हूँ उनकी उन विचारधारा को दुरुस्त करने की जरूरत है और वो तभी हो सकती है जब विचारों का आदान प्रदान होगा, एक दूसरे से मिला जाएगा। ये सोच के बैठ जाए कि तुम हमारे दुश्मन हो और हम तुम्हारा दुश्मन है तो कभी हम एक दूसरे को करेक्ट नहीं कर सकते। रिफॉर्म तभी आता है जब हम अपने आदान प्रदान। देखिए वो जो बात है उसमें एक बात लगती है हमेशा, और वो ये लगता है कि आप माइनॉरिटीज को, वो कह नहीं पाए, मैं सामने रखता हूँ माइनॉरिटीज को लेकर ऑफ कोर्स क्या विचार है इनके आरएसएस के? क्या मुस्लिम किसी को शाखा में बैठाएंगे, महिलाओं को शाखा में खड़ा करेंगे? अरे महिलाएं रहती हैं शाखा में, महिलाएं दलित को आप क्या शाखा का प्रमुख बनाएंगे? ये नहीं करेंगे। आपकी विचारधारा जो माने उसी को आप मानेंगे। जी इनको पता नहीं है, बोलना सिद्ध है, मातृशक्ति संगठन दुर्गा वाहिनी, ये किसके संगठन है? शाखा में जाते, अरे शाखा छोड़िए, तीसरा मुझे शर्म आनी चाहिए, कैसा संगठन? गैर सरकारी सहायता प्राप्त विश्व की सबसे बड़ी संस्था है, 1 करोड़ समर्पित समाज सेवक, 2500 प्रचारक, 55,000 शाखाएं, 53 से अधिक अनुषांगिक संगठन, जीवन के हर विद्या में इनके संगठन है। इनको वो संप्रदाय दिखाई पड़ता है, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, आज ये बताइए राष्ट्रीय मुस्लिम मंच में क्या मुसलमान नहीं है? क्या वो संघ संगठन नहीं है? देखिए शाखा की बात नहीं है यहाँ पर, बात है आइडियोलॉजी की।
जिनके गुरु गोवलकर ने जो लिखा बंच ऑफ टॉक उसके ऊपर क्या आरएसएस उसको इम्प्लीमेंट करना चाहती है, को नाफिज कर इस देश को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। प्रॉब्लम वहां शुरू होता है, प्रॉब्लम शुरू जब होता है कि दस्तूर के अंदर सेक्युलरिज्म को खत्म करने की जब बात होती है, प्रॉब्लम जब शुरू होता है जब रिजर्वेशन को खत्म करने की बात होती है, प्रॉब्लम जब शुरू होता है जब यहाँ पर इस देश के अंदर नफरत फैलाने की बात होती है। ये चार पॉइंट है, एक के बाद एक के सारे लोग चुप रहेंगे। ये चार पॉइंट है, डिफरेंसेस अगर नजदीक लाना चाहते हैं लोगों को तो ये चार पॉइंट पे जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूं आपको। पायदान के सबसे निचले पायदान पे खड़े व्यक्ति तक जब तक उसको उन्नति नहीं मिलती, संघ पूरी तरह समर्पित है। सवाल तो आरक्षण का तो खत्म होने का सवाल ही नहीं है। हमारे संघ प्रमुख ने कभी नहीं कहा, सुनिए पहले पूरी बात होने दीजिए। नंबर दो, संघ के अंदर जाति की बात इसीलिए आती प्रतीक जी कि कोई किसी जाति जानता ही नहीं है। एक संघी ऐसा संगठन है जिसमें लोग नाम से जानते हैं, राजीव जी, शेखर जी, कोई नहीं जानता कि शेखर जी कौन है, राजीव जी कौन है। अरे आपको पता है, हम बता रहे हैं, आप सुनिए, आप जाइए शाखा में, आप जाइए शाखा में। का सबसे बड़ा झूठ है। जवाब तीसरा, मनोवाद के अंदर हमारे संघ प्रमुख ने कहा हमें कांग्रेस का स्वागत है, सबका साथ सबका विकास ये हमारी अंतर भावना है, पूरे विश्व का विकास हो। आप संघ की शाखा में आए बगैर संघ को नहीं जान सकते। आप संघ की शाखा में आइए तब आप संघ को जानिए। आप शाखा में आए बगैर संघ पर टिप्पणी नहीं कर सकते। आज खिलाफत आंदोलन के बाद एक मिनट में आ रहा सर। ये जो कांग्रेस की जो देन है ये जनता को शुरुआत से ही छूत अछूत में बांटने की रही है। जब इन पर जोर पड़ता है तब लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, जबकि इन्होंने कितनी बार लोकतंत्र को तोड़ा है। संविधान को तोड़ने वाले ही संविधान की दुहाई देते हैं। आज ये जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो एनजीओ है, जो निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, उसको छूत अछूत कैसे कह सकते हैं? ये किस अधिकार से किसी भी एनजीओ को इस तरह से भेदभाव की दृष्टि से देखते हैं? तो क्या ये भेदभाव की राजनीति करते हैं? आज अभी ये बोलते हैं कि इसमें हिंदू नहीं है, मुस्लिम नहीं है, दलित नहीं है। क्या सब कुछ हिंदू मुस्लिम दलित इन्हीं से सीखा हुआ है? तो सर हमारा क्वेश्चन इन्हीं से है कि छूत अछूत क्यों आपने क्यों? अजय विल रिस्पॉन्ड। जी सर, मैं रामपुर के एक स्कूल में पढ़ा हूँ, सरस्वती विद्या मंदिर। वहाँ पे हमें बचपन से सिखाया गया है राम तुम्ही, रहीम तुम्ही हो, तुम्ही नानक श्याम, जय कबीर जय जय राम, जय कबीर जय जय राम। वहाँ पे हमें सारे धर्मों की शिक्षा दी गई है कि सारे धर्म एक समान है, सारे धर्म एक ही ईश्वर का रास्ता बताते हैं और वो सबको बनाने वाला एक है, चलाने वाला एक है। मेन मुद्दा ये है कि आज की डेट में भी शिक्षा और हेल्थ केयर ये आज भी क्यों नहीं फ्री है पूरे देश में, जबकि इतना टैक्स लोग पे करते हैं, पूरा सिस्टम है, क्यों नहीं इसको आज तक फ्री किया गया? ये एक बहुत बड़ा विषय है जिसके बारे में सोचना है। सवाल ये है कि बार बार एक प्रश्न उठता है और वो प्रश्न जिसको अजय उपाध्याय कह रहे थे बार बार, और वो ये कह रहे थे माइनॉरिटीज को लेकर या माइनॉरिटीज के दिलों में लेकर बराबर एक संशय रहती है, और वो संशय ये रहती है कि आप रिलीजियस माइनॉरिटीज। अब मैं उसको और स्पेसिफिक कर दूं, मुस्लिम्स और क्रिश्चियनिटी को। मैं दोनों और क्लियर कर देता हूं। उनको ये लगता है कि आप विभाजनकारी और विघटनकारी तत्वों के साथ या जैसी रेखा खींचते हैं। सोचिए, आप देखिए, आप उठा के देख, गोलवारकर जी की किताब उठाकर देखिए, उसके अंदर उन्होंने हिटलर को सपोर्ट करते हुए कहा कि हिटलर ने जैसे यहूदियों के साथ गैस चैम्बर में मारा है उसने सही किया है, उसी तरह हमारे को हिंदुस्तान में करना चाहिए। ये बिल्कुल असत्य बोल रहे हैं। मैं देखिए, मैं आपको उदाहरण दूंगा, वैसे मैं भाजपा प्रवक्ता नहीं हूँ। जब अटल बिहारी की सरकार थी, ये बताइए, पीसी एलेक्जेंडर एक ईसाई थे, उसके बावजूद उनको राष्ट्रपति बनाने की अनुशंसा किसने की? भाजपा ने की। आप कैसे कहते हैं कि ईसाई विरोध जलाया गया? अरे आप छोड़िए, देखिए, चाहे ईसाई हो चाहे मुसलमान हो, अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो संघ आपके साथ, अगर आप राष्ट्रवादी नहीं है तो चाहे हिंदू भी हो संघ आपके साथ खड़ा नहीं हो। अब आया राष्ट्रवाद की परिभाषा, अब आ गया राष्ट्रवाद। ये ध्यान रखने की जरूरत है कि इस देश के प्रत्येक नागरिक का जो कनकन है इस देश के लिए है, और हर व्यक्ति का इस देश के प्रति आधार है, और वो सभी का रहना ही आधार है, वो सबका रहना ही राष्ट्रवाद है। इनका राष्ट्रवाद क्या है? अगर हमने इनके पेट्रोलिज्म पे क्वेश्चन कर दिया तो प्रॉब्लम है। ये किसी के भी हत्या के पेट्रोलिज्म पे क्वेश्चन कर सकते हैं कि तुम वतन परस्त नहीं हो, तुम मुहिब्बुल वतन नहीं हो, लेकिन अगर यही बात हमने कह दी कि तुम्हारे अंदर नेशनलिज्म नहीं है, तुम्हारे अंदर पेट्रोलिज्म नहीं है, तो इनको बुरा लिख जाती है बात। ये बताइए,
आप बम फोड़े, आप बम बनाए, आप जगह जगह बम विस्फोट करें, हम आपको राष्ट्रवादी मान लें। नहीं, आप जनरलाइज कैसे कर सकते हैं? आप उन्हीं मुसलमानों के खिलाफ है, आप जनरलाइज कैसे कर सकते हैं? तो मैं कर भी नहीं रहा हूँ, तो भाई साहब कह रहे हैं ना, ये भाई साहब कह रहे हैं, आप बताइए नहीं, एक मिनट जैसे होल्ड ऑन ये सिखाती है। एक मिनट में अच्छा जी, अजय 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 द चांस है। आरएसएस एक बहुत बड़ा राष्ट्रवादी संगठन है और सामाजिक समरसता में ही विश्वास रखता है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो कांग्रेस मैडम जरा हिंदू राष्ट्रवाद की अवधारणा भी समझा दीजिए। हिंदू राष्ट्रवाद, अखंड भारत, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ये क्या है? सिर्फ हिंदुओं, कट्टर हिंदुओं को रखना यदि हिंदू राष्ट्रवाद है, ये बेचारे जो मुस्लिम दाढ़ी बढ़ा लिए उसी पर यदि आपत्ति है तो ऐसे राष्ट्रवाद हमको नहीं चाहिए। केवल एक बात कहना चाहती हूँ कि जो ये कांग्रेस की इंटेलेक्चुअल इग्नोरेंस है, ये उसकी एरोगेंस है कि एक लोकतंत्र के अंदर सारी विचारधारा का समन्वय होना चाहिए। डेमोक्रेसी के अंदर डिबेट, डिस्कशन, सारी विचारधाराओं डिस्कशन होनी चाहिए। भाई साहब का जवाब मैं देता हूँ, आपका जवाब मैं देता हूँ। हर वो व्यक्ति जो इस हिंदुस्तान को अपनी माँ मानता है वो हिंदू है हमारी नजर में। दूसरा, हर वो व्यक्ति जो हिंदुस्तान की रक्षा करता है वो हमारी नजर में हिंदू है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो ईसाई हो। अगर आप इस भारत माँ को मानी मानते हम आपके साथ नहीं है। सिद्धांत बहुत अच्छे हैं, आदर्श की बात बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन अशांति फैलाना, देश में हिंसा का दौर पैदा करना, विघटन पैदा करना, जबकि आंकड़े कहते हैं कि 1962 बाढ़ आपदा सब में ये मौजूद भी रहे। गांधी को भी तो कत्ल हुआ इस देश के अंदर, गौरक्षा दल के नाम पे मुसलमानों को मारा गया, रेपा, उसमें आरएसएस ने कंडम किया। सवाल मेरा ये है, अजय जी, सवाल मेरा ये है आपसे कि जेएनयू में जब नारे लगते हैं क्यों नहीं पकड़ा? नहीं, मैं पूछूंगा तो वहाँ पे नहीं, अजय जी मैं सवाल पूछूंगा, वाजिब सवाल है। जब जेएनयू में नारे लगते हैं तो वहाँ पे कांग्रेस के नेता मौजूद होते हैं, सिर्फ आरएसएस से मिलने जाने पे एतराज क्यों है? मैं जवाब का जवाब लूंगा, वक्त छोड़ दे, ब्रेक के बाद फिर हाजिर हूँगा। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है और लंबे से ब्रेक के बाद फिर वापसी हुई है। लेकिन बाजी कभी कभी होता है, तमाम सारे टेक्निकल इश्यूज के बाद चीजें सुलझी और बातचीत के सिलसिले को जोड़ते हुए जी आप भी कुछ कहना चाह रहे थे एक बार। मैं ये कह रहा था कि आदमी अपनी गलती क्यों नहीं देखता? मोदी गलत है, राहुल गलत है, ये गलत है, वो गलत, अपनी देखो। मोदी नहीं बनाएगा, राहुल नहीं बनाएगा, कोई नहीं बनाएगा, बनाएगा अपन, सब मिल जाएंगे। जिस दिन विचार एक हो जाएगा सब बन जाएगा। सवाल यही है, एक लाइन है, गंगा की कसम, जमुना की कसम, आना बाना बदलेगा, कुछ तुम बदलो, कुछ हम बदले, जवाना। सवाल ये है कि इसका ऑपरेटिव पोर्शन ये था कि विचारों में एकता कैसे हो सकती। जब ब्रेक पे जाने से पहले मैंने एक सवाल रखा था और सवाल ये था कि प्रणव दा की जो विजिट है नागपुर पे उसको लेकर आज बहस का मुद्दा था। और जब मैं ब्रेक पे गया तो मैंने एक सवाल रखा कि जब जेएनयू में नारे लग रहे थे तो लोगों ने मुझसे पूछा उस समय कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, तमाम सारे सेकुलर लीडर्स वहां पहुंचे, लेकिन प्रणव दा के नागपुर जाने पे इतना एतराज क्यों है? जी पहली बात कि जेएनयू में जो नारे की बात है, जो लोग भी जेएनयू में गए थे वो नारे के पक्ष में नहीं गए थे, नारे का सभी ने विरोध किया। सुन लीजिए, नारे का सबने विरोध किया, लेकिन जो षड्यंत्र इस देश में संघ के माध्यम से शिक्षा का संघीकरण करने का प्रयास एक तरफा हो रहा है उसपे था। मैं कहता हूँ टुकड़े 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 पर, मैं पूछता हूँ कि वो टुकड़े टुकड़े जिसने किए वो सारे लोग ही देश में घूम रहे हैं, उनको सरकार मोदी जी की है, क्यों नहीं जेल में डाला जिस पर आरोप है? देश को तोड़ने वाले गैंग को राहुल गांधी जेएनयू जाते हैं, आप उनको जेल क्यों नहीं डाला? उनको आपने जेल में क्यों नहीं डाला?
आज भी वो लोग घूम रहे हैं, आज भी मैडम घूम रहे हैं। यदि वो गलत लड़के थे तुमको जेल में डालो, आपने नहीं किया। इनको जब तक संघ को गाली ना बकले, जब तक राष्ट्रीय बात को गाली ना बकले, रोटी हजम नहीं होती। आप ये बताइए, आप जेएनयू क्या करने गए थे? जेएनयू किस लिए गए थे? राहुल गांधी किस लिए गए थे जेएनयू? आप ये बताइए, जो जेएनयू राष्ट्र विरोधी व्यक्ति है उनके समर्थन के लिए आप खड़े हो जाते हैं और आप संघ की आलोचना करते हैं? आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए भाई साहब। प्रत्येक जी, मेरा ये पूछना, इनका इनसे पूछना है बीजेपी और आरएसएस से, क्या ये हिंदू राष्ट्र चाहते हैं? प्रणब मुखर्जी साहब गए शिष्टाचार है, पढ़े लिखे देश के पहले अपने राष्ट्रपति रहे हैं। सवाल ये आने का जाने का और वहाँ कुछ क्या कहने का वो नहीं है, सवाल ये है क्या आरएसएस धर्म वाली पार्टी है? ये झंडा अपना इन्होंने आज तक नहीं कांग्रेस को, तो कहते मैं पार्टी हूँ ही नहीं, वो पार्टी है ही नहीं। लेकिन सवाल तब खड़े होते हैं जब आपका पॉलिटिकल विंग तो बीजेपी है, तो तमाम सारे सवाल आते हैं। लेकिन देखिए, इरेलेवेंट सवाल है, इरेलेवेंट नहीं। भाजपा से संघ का जहाँ तक मैं जानता हूँ एक ही संबंध है, वो राष्ट्रवाद का। जिस दिन भाजपा भी राष्ट्रवाद की पटरी से उतरेगी, मुझे पूरा विश्वास है कि संघ भी साथ नहीं देगा। राष्ट्रवाद एक डोर है जो सारे संगठनों को जोड़ता है। आप ये अच्छा, दूसरी बात मैं जवाब देता हूँ उनकी बात का, अभी जवाब देने दीजिए। हिंदू राष्ट्र बिल्कुल, चुप रहिए अजय जी। हिंदू राष्ट्र हम चाहते हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र की वो परिभाषा नहीं है जो समझते हैं। समग्र व्यक्ति, राष्ट्रभक्तों, तिरंगा, समग्र जनता देश के बारे में सोचे। देखिए आरएसएस का झूठा राष्ट्रवाद है, कभी इस देश से मोहब्बत नहीं की। आज भी इन्होंने भगवा झंडा चढ़ाया, इनके आरएसएस का वेबसाइट उठा के देखिए कि यहाँ की भारत माता के हाथ में भगवा झंडा होता है, तिरंगा नहीं। तिरंगा की इज्जत करने वाले नहीं है, ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते, भगवाकरण करना चाहते, इस देश में नफरत की राजनीति करना चाहते। सवाल ये था, सवाल ये था कि जब आदान प्रदान होगा विचारों को तो कहीं ना कहीं एक साम्यता आएगी और ये एक अच्छे राष्ट्र की पहचान है। लेकिन यहाँ तो और बिखराव दिखा नजर आता है, और बिखराव नजर आता है। प्रतीक जी, मैं फिर भाई बात कहूंगा, सवाल ये है कि इसके पीछे मंशा क्या है? ये राजनीतिकरण करने की कोशिश की जा रही है। आरएसएस ने जाना कोई गलत नहीं है, आरएसएस कोई ऐसी संस्था नहीं है जो हमारे देश के खिलाफ या हमारे देश के बाहर की हो। लेकिन एक राष्ट्रपति जी का वहां जाना, उनको बुलाना और उसका कितना राजनीतिकरण करने वाले हैं, ये मुद्दा है। 2019 का विजन है, ये 2019 का विजन दिखाई दे रहा है कांग्रेस में। इसीलिए पेट में दर्द है, इसीलिए पेट में दर्द है। जाने का नहीं है, ये राजनीति का है। यदि जाने का होता तो हम कुछ नहीं कहते। मैं कहता हूँ आज आप बोलिए, इस देश में मुस्लिम इस देश का है, ईसाई इस देश का है, महिला इस देश की है, नौजवान और दलित इस देश का है। इन मुद्दों पर आरएसएस आगे आए। मैं आया, सारी चीजें कैद कर ली आपने। कहाँ से हैं आप? यूपी से? तो मैं समझ गया था मसाले से। कहाँ पे? यूपी में, कानपुर, जौनपुर। चलिए ठीक है, पुर तो एक ही। मैं आ रहा। इलाहाबाद, श्वेतांक सिन्हा जी। श्वेतांशु सर, जो देश की बातें करते हैं उनको आप विरोध कैसे कर सकते हैं? लोग कह रहे हैं आरएसएस सही नहीं है, आरएसएस सही नहीं है। जो भारत माता की जय करते हैं वो विरोध, उनका विरोध कैसे कर सकते हैं आप लोग? वो तो देश की बातें कर रहे हैं। सर, ये कांग्रेस वाले इतने सालों से आरएसएस को वो कर रहे हैं और इन्होंने एक भी बार उसको खत्म क्यों नहीं कर दिया? अगर इतनी उससे दिक्कत है, तीन बार प्रतिबंध लगा, लेकिन तीनों बार बगैर कोई सबूत के वजह उसको उन्होंने बेहाल किया। तीन बार लगा सर, सबूत थोड़ी है ये, क्या सबूत दे रहे हैं कि वो गलत है? वो गलत सर, मैं तो आपसे मिलने आया हूँ, फैन हूँ मैं, और राजनीति नहीं करना चाहता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरफान नाम है। इरफान साहब कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली का रहने वाला। तो रोजा तार का समय हो गया और हमारे चलने का आज का वक्त हो गया। नहीं, आज अभी बस मैं आ रहा हूँ, आज अभी सब इतना, फिर मिलेंगे, मुलाकात होगी, बस इतना।